कितना हम घने जंगल में देखो इधर वॉक कर रहे हैं अकेले, लेपर्ड या कोई जानवर आ गया तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल घना जंगल और ऐसे, मतलब अगर पता है मुझे कोई रात में बोले ना यहाँ पे आने के लिए, मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। बिल्कुल पहाड़ी लग रहे हो, बिल्कुल। जो रूल था ना वो उसने ब्रेक कर दिया है। बाय, थैंक यू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम निकले हैं फॉरेस्ट वॉक के लिए, और आपको अपने साथ फॉरेस्ट वॉक करता हूँ। मैं पहली बार कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी फर्स्ट टाइम होगा ये, लेकिन ना इतना प्यारा वेदर और सब कुछ रहा है, फॉरेस्ट वॉक तो बनती है। चलो, कितने प्रिटी फ्लावर्स हैं यहाँ पर देखो यार। हम तो ऐसी फॉरेस्ट वॉक करते रहते हैं, हमारी वॉक ही फॉरेस्ट वॉक होती है। वेरी नॉर्मल फॉर अस। और ये देखो व्यू। और गाइस, इतनी मोटी जैकेट, पता है मैंने पहले ये सिंपल टी शर्ट पहन कर बाहर निकला, नीचे आया, बाहर आया, जो ठंड लगी ऊपर दोबारा गया, जैकेट पहन कर आया। इतनी ठंड है यहाँ, इतना मजा आ रहा है ठंड में ऐसा फॉरेस्ट वॉक करने में। A few moments later. हम आ गए हैं टेनिस कोर्ट में, लेकिन खाली है ये। टेनिस कोर्ट थोड़ी है यार। हाँ, शी सेड ना कि यहाँ पे टेनिस कोर्ट है फिर। अच्छा, मतलब बर्बाद टेनिस कोर्ट है। हाँ, मतलब यूज में नहीं आता होगा ना, बिकॉज यहाँ पे बारिश वारिश होती है। और ये दिखाओ व्यू और मेरा फॉरेस्ट। जो इस ट्रेल का नाम है स्ट्रॉबेरी ट्रेल, मतलब जो ट्रेल यहाँ से हम वॉक, नाम होगा इसका क्या बताएं, स्ट्रॉबेरी होगी। ये रास्ता स्टार्ट हो गया है, अब तुम्हें ना थोड़ा कच्चा रास्ता मिलेगा, ये जो वुडन गेट है ना, ये होगा असली वॉक। तो हिमाचली एवरी वॉक इज अ फॉरेस्ट वॉक फॉर अस। बात तो सही है, आप सबको पता होगा कि हम तो जहाँ भी जाते हैं फॉरेस्ट होते हैं, वॉक करते हैं, हमारे तो बहुत नॉर्मल है। स्ट्रॉबेरी ट्रेल मैं इसीलिए शो ऑफ कर रही हूँ कि ओ माय गॉड, मेरे तो नॉर्मल है। स्ट्रॉबेरी ट्रेल के कुछ रूल्स। रूल नंबर वन, कैरी अ स्टिक एंड अ वाटर बॉटल, दोनों नहीं है हमारे पास। डू नॉट मेक आई कॉन्टेक्ट विद मंकीज, बिल्कुल नहीं करना वरना वो काटते हैं। मेरी तरफ मत देखो मंकी, ए गजब बेइज्जती है। डू नॉट स्मोक इन द फॉरेस्ट, वियर अप्रोप्रिएट वॉकिंग शूज। ओ यार, मैंने तो ये पहन अपने देख। वाइल वॉकिंग टैप योर स्टिक लाउडली ऑन द ग्राउंड टू वार्ड ऑफ मंकीज। यार मंकीज कुछ ज्यादा ही है मुझे लगता है। डू नॉट लिटर, पेड़ तोड़ना पड़ेगा, पेड़ में से लट तोड़ना पड़ेगा। हाँ, और बिल्कुल गंदगी मत किया करो यार इतनी साफ जगह में। डू नॉट कैरी ईटेबल, सुबह सुबह क्या ही खाएगा इंसान। डू नॉट रन और वेव योर स्टिक ऑन मंकीज, ओके। कीप द डेजिग्नेटेड पाथ ऑफ द ट्रेल एंड नॉट वेंचर ऑन योर ओन, मतलब जो पाथ बनाया गया इसी पे जाना, अपने से कुछ ज्यादा कलाकारी मत, डिजाइनदार मत बनना, कभी कुछ लेट्स गो नाना स्टाइल में एक स्टिक और ही लेकर। बिल्कुल पहाड़ी लग रहे हो, बिल्कुल। हाँ, और ये देख सामने रूट दिखा, कितना अच्छा रूट है। और पूरा फॉरेस्ट इधर इधर, पहाड़ पहाड़ पहाड़, बिल्कुल अनटच्ड पहाड़ है, मतलब एक भी घर वर नहीं है आसपास, कुछ भी नहीं है। बस ये रोड भी उन्होंने कैसे बना दिया है, अब मुझे समझ आया। याद है मतलब जो हिमाचली लोग वो रिलेट करेंगे, ये वाला जो प्लांट होता है जो थोड़ा स्ट्रॉबेरी की तरह दिखता है, हम ये खाते भी थे बचपन में। यहाँ ऐसे बहुत सारे हैं, शायद इसीलिए से स्ट्रॉबेरी ट्रेल कहते हैं। हमने खाते थे मशरूम टाइप के छोटे छोटे, लेकिन ना एक बार ना मम्मी ने हमें बहुत मारा कि इसमें जहर हो सकता है, ये हो सकता है। हमने मशरूम कभी भी वाइल्ड मशरूम्स को नहीं खाना चाहिए यार। पता है क्या, मेरे ना एक डर है, डर नहीं है मतलब एक वो है, मैं सोच रहा हूँ कितना हम घने जंगल में देखो इधर वॉक कर रहे हैं अकेले, कोई दूर दूर तक नहीं, कुछ भी नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ अगर लेपर्ड या कोई जानवर आ गया तो हम क्या करेंगे? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो यार है बचने का अपने पास, नहीं अगर कोई लेपर्ड वगैरह आ जाए उनसे भी आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, और शायद मतलब मुझे ऐसा लगता है उसका नॉलेज तो कमाल का है, और चुपचाप इधर उधर हो जाना चाहिए, उनसे तो हम जीत नहीं पाएंगे। ये तो सिर्फ मंकी के लिए, लेपर्ड पे काम नहीं करता ना, और ये बचा देगा हमें उल्टा। वो लोग रात में आते हैं, मतलब वो लोग कह रहे हो वो लोग, हाँ वो रात में आते, दिन में तो नहीं आते क्योंकि वो लाइट से बचते हैं। मैं तो फुटप्रिंट देखता हूं, हमारे गांव में होते हैं ऐसे। हाँ उन्होंने बताया था ना होटल वालों ने कि फुटप्रिंट्स देखे, देखते हैं वो स्नो लेपर्ड के। हाँ स्नो लेपर्ड यहाँ कितना प्यारा लगता होगा, यहाँ पे जब स्नो पड़ते हो तो बहुत ही प्रिटी लगता होगा ये। और ये मेरा फुल ट्रैकिंग अटायर, आउटफिट, कपड़े, मतलब आउटफिट तो नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि ये मैंने खाली बनाया खुद, जैकेट पहन ली, टी शर्ट पहन ली, पता नहीं था ना, शूज भी क्योंकि ट्रैकिंग वाले नहीं है, देखो नॉर्मल से एकदम तेज तो बहुत अच्छे निकले, मेरे पास थे ही नहीं यार, क्या करूं। हमें सूर्य देव के दर्शन भी हो गए सुबह सुबह, नमस्कार कर दो। हाँ ट्रेल बहुत ही बढ़िया थी। हाँ हम तो वापस चल जाएंगे, लॉन्ग वे टू गो यार, पर ना इतने सुंदर जगह से भी हम आए और इधर धूप में आ गए क्योंकि इतनी ठंड थी नीचे, और यहाँ धूप में खड़े ऐसा लग रहा है अच्छा सा, एकदम मन नहीं कर रहा ना आगे जाने का ना पीछे जाने का, ऐसा लग रहा है यहीं खड़े रहूंगा।
गाइस ये फॉरेस्ट वॉक सच में ही बहुत अच्छी थी, मतलब करंटली एक न्यू एक्सपीरियंस था, मेरे लिए भी था, बिकॉज हम जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ये वाले ट्रीज नहीं होते आई थिंक, है ना? हाँ ये वाले नहीं होते, इसमें कहीं कहीं होते हैं, तो ये इतना इतना सुंदर लग रहा है ना ये फॉरेस्ट, इतना ज्यादा क्या बताऊँ मैं, बिल्कुल घना जंगल और ऐसे, मैंने अगर पता है मुझे कोई रात में बोले ना यहाँ पे आने के लिए मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं, बिकॉज मैं इमेजिन कर सकती हूँ यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हुआ करेंगे, होते होंगे मैं सोच रही हूँ, तो रात में कोई मुझे बोले ना पैसे देकर भी मैं नहीं आऊँ यहाँ पर, ऐसे लोग जाते हैं ऐसे ट्रैकिंग पे कैंपिंग पे। और इस वे के इसके बारे में क्या ख्याल है, ये जो हम ट्रैक कर आए, ये ख्याल है कि मजा आया बहुत ज्यादा, सुबह सुबह वॉक की वॉक हो गई, और इतना प्यारा मौसम हो रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं है, इतना पीस है, इंसेक्ट्स की आवाज आ रही है कानों में, यार पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, और इतनी ठंडी हवा और इतना मजेदार, मतलब और इंसेक्ट्स की जो आवाज चल रही है पीछे वो इतनी अच्छी लग रही है, मतलब दिस इज नेचर, ये पूरा नेचर है ना जो एकदम बोलते है ना एकदम प्योर नेचर, वो वाला सीन है हमारे साथ, मतलब शहरों से दूर बिल्कुल, ये इधर साइड शिमला इधर नीचे, और हम कितने दूर आगे वॉक करते करते है ना। चलो चलते हैं वापस, यार इतनी प्यारी धूप लग रही है, मेरे को तो मन नहीं कर रहा जाने का, है ना, क्योंकि नीचे इतनी ठंड है ना, और यहाँ इतनी धूप है, इतना मजा आ रहा है धूप में खड़े होकर, मत सोचो मैंने इतनी मोटी जैकेट पहनी हुई है तब भी मुझे मजा आ रहा है, तो कितनी ठंड होगी नीचे, है ना, धूप सेक रही हूँ मैं तो पीठ में लगा रही हूँ, सेकने का क्या मतलब होता है, सेकना ही बोलते हैं हमारे यहाँ, धूप ले रहा हूँ, धूप सेक रहे हैं, सेकने कोई ब्रेड है, सेकना ही बोलते हैं, पता नहीं यार हमारे यहाँ तो सेकना नहीं बोलते, हमारे तो बोलते हैं धूप में जाके बैठ जाओ, धूप ले लो या ऐसे ऐसे, सर्दियों में सब सबके यहाँ अलग अलग होता है ना ये। हम किसी और रास्ते पे जा रहे हैं, ये ट्रेल वाला रास्ता नहीं है, ये थोड़ा उबड़ खाबड़ सा है, और ये सैंडी ने करा 7th जो रूल था ना वो उसने ब्रेक कर दिया है, क्योंकि उसमें लिखा था अपना एडवेंचर मत करना, कोई अपना रास्ता मत अपनाना, जो बनाया हुआ है उस पर चलना, पर ये नहीं मानी भाई। उफ क्या हो गया, थक गई, इधर देखो, उफ, और यार ये देखो इधर एक छोटा सा रास्ता जा रहा है, कच्चा सा रास्ता, और ये सैंडी का अपना एडवेंचर चल रहा है इधर कुछ, ये छोटा रास्ता किधर जा रहा होगा ना यार, अब उसने मना करा था कि इससे आगे मत जाना, जहाँ पे एक वुड रखा होगा, तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे, है ना, कुड बी डेंजरस आल्सो ना, वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड वो सब, तो अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमारी मतलब ट्रैक तो बहुत था आगे तक, लेकिन हमने सोचा कि नहीं चलते हैं यार, क्योंकि रेडी भी होना है, जाना भी है, है ना, और बहुत मजा है यार वॉक करने में, पर पता है क्या, इतनी ऊपर था, इतना ऊंचा था, मैंने कहा कितना ऊपर तक जाएंगे, कहां तक ही जाएंगे, और ये तो मैंने कहा ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा, और ये होगा भी नहीं, और एक कच्चा रास्ता ऐसा ही जाएगा थ्रू आउट द टाइम, तो मैंने कहा ठीक है यार चलो लेट्स गिव इट अप। 1 hour later ट्रैक हो गई हमारी खत्म, जिस गेट से हम घुसे थे मतलब गए थे उसी से वापस आ गए, और ये क्या देख रही है, व्यू यार, ये व्यू है ना कितना सुंदर लग रहा है ना, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, सनलाइट तो तेरे पे आई थी डायरेक्ट अभी ऊपर, अच्छा लगा था ना, ऑल द वे बैक टू आवर डेस्टिनेशन, बहुत टाइम बाद ये थकी हर जगह जाकर, तेरे में पहाड़ी वाले कोई बात नहीं है, है ना, नहीं है कोई बात नहीं है, थक जाती है बहुत जल्दी, तेज जा रहा तो मैं चल लेता हूँ पता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलते चलते बहुत टाइम हो गया, पहुंच नहीं रहे, पहुंच गया लग, फाइनली तूने फिर हाथ में ही रखा, तो क्या हो गया, बहुत थक जा रही है बहुत ज्यादा, भाई इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं ना, ये देखो उधर, और उसके बाद सुंदर सा व्यू, उससे भी ज्यादा सुंदर गार्डन, और वो जगह गजीबो वो है जहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था, कितना सुंदर लग रहा है, अभी भी इसमें डेकोरेशन है, बलून्स तो दिख रहे हैं यहाँ से, अब पता नहीं ब्लॉग में दिखेंगे नहीं, बहुत थोड़े बहुत रेड येलो टाइप का अगर दिख रहे हो तो अच्छा लगा था तुम्हें, अरे यार अच्छा मस्त एकदम फैंटास्टिक। A few moments later हम आ गए हैं यहाँ पर धूप सेकने चिल करने, देखो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है यार, है ना, और मैंने समझाया कि डायरेक्ट फेस पे नहीं लेनी चाहिए, ऐसे कमर पे मतलब पीठ में धूप लेनी चाहिए, हमको सिखा रहा है, ये हमारा ब्रेकफास्ट, ये है इडली और ये है लद्दाखी कुछ डिफरेंट चीज है ना, और पोहा, और तुम तो पता नहीं क्या ही खा रहे हो, और पीछे व्यू कितना प्रिटी है देखो, हम बाहर नहीं बैठे बिकॉज बाहर बहुत धूप थी, और गाइस मुझे पोहा इतना पसंद है, और यहाँ का पोहा इतना टेस्टी है, मतलब ओबरॉय का यहाँ का पोहा अमेजिंग, बेस्ट पोहा आज तक का जो मैंने टेस्ट करा सबसे बेस्ट है, और ये थे लद्दाख के जो भी थे ये इतने अच्छे हैं,
अजीब से लगे मुझे तो, बाकी और गाइज ये हमें रिकग्नाइज करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे इतना स्पेशल एक कुछ बोले थे, हमने ऑर्गेनाइज करा है स्पेशली आपके लिए, कोई कचौड़ी चाट वगैरह भी वो आने वाली है, मतलब दे आर सो स्वीट, मतलब कल से ही हमारे को इतना ज़्यादा स्पेशल फील करवा रहे हैं, दैट इज़ सो स्वीट ऑफ देम, जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इतना कुछ खाने के बाद भी ये कुछ ना कुछ अभी भी ऑर्डर करने के लिए ढूंढ रहे हैं। सोच रहा हूँ क्या मिलेगा, उत्पम डोसा मंगाऊँ या उत्पम मंगाऊँ, डोसा मंगाऊँ, पराठा मंगाऊँ, क्या मंगाऊँ समझ नहीं आ रहा इतना, मतलब देख देख कैसे आ रहा है, ये बुक बहुत अच्छा है, एक तो एम्बियंस इसकी बहुत अच्छी है, बैठने मजा आ रहा है। ये है वो स्पेशल चाट जो इन्होंने हमारे लिए बनवाई है स्पेशली, खा के बताओ कैसी है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में नहीं है और कोई वैसे मतलब कहीं भी काउंटर्स पर भी नहीं है, स्पेशली हमारे यहाँ की इन हाउस है, बहुत अच्छी है, स्पेशल डिमांड्स पर रखी है, तो ये हमारे लिए खुद लेकर आए, हमें पता नहीं था। हाँ सो स्वीट ऑफ देम यार, टेस्ट करके बताओ कैसी है। टेस्ट करूँ कहाँ से, स्कूल से। टेस्टी, चटपटी। अब तू खा के बता तुझे कैसा लग रहा है। मेरे लिए बनकर आई है तो मैं तो खा के टेस्ट करके बताऊंगा। कैसा लगा बता। स्ट्रीट्स में चाट मिलती है ना। हाँ उसी टाइप की, स्ट्रीट टाइप की, लेकिन अच्छे वे में बहुत है ना, प्रेजेंटेशन और ये सब कुछ, और टेस्ट भी अमेजिंग। तो चीज थी पूरी भाजी, ये भी मैंने बनाई थी, हमने मंगाई, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट तो यही अच्छा होता है इंडियंस का। इंडियन इंडियन है ना, टिपिकल इंडियन हम लोग, तो हमारे ना जब तक मन नहीं करता पेट में भर जाता, हम पूरी भाजी या पराठा ना। बात तो सही है। तो ये हमारे लिए इतने प्यारा गिफ्ट्स लेकर आए हैं, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मोस्ट प्रेजेंट फॉर यू मैम, बिकॉज़ यू नो एज यू ऑलरेडी नो दैट दिस शिमला इज फेमस फॉर वुडन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, सो आई गॉट अ स्मॉल वुडन बॉक्स फॉर मैम, सो शी कैन कीप सम बैंगल्स एंड सम ज्वेलरी स्टफ फॉर हर। That is so sweet. Thank you so much. और इन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी, इतनी ज़्यादा हेल्प करी डेकोरेशन में इन्होंने। You made our day special. Thank you so much. और ब्रेकफास्ट में और हर चीज़ में। That is so sweet. Thank you so much. Thank you. And you really made me a fan of your hospitality. I hope we keep meeting again. Absolutely. Now we have a numbers also. Absolutely, we'll you know. Wherever you want, come there only. Please come. Please. I'll text you. I'll you know. I'll be in touch all the time also. And looking for our marriages, your wedding also. Thank you so much. Thank you so much. Cheese है हमारे pancakes और ये भी हमारे लिए उन्होंने specially बनवाए हैं। यार वो इतने sweet हैं, मतलब gifts भी दिया। Next thing. Next thing is. Waffle. तू तो मीठा नहीं खाती। खा लेती कभी-कभी। कभी-कभी नहीं, हर बार। जब दिख जाता जब खा लेती हूँ, वैसे नहीं खाती है ना? गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है डन, और हमने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करा, मैंने आपको दिखाया, हमने मतलब हम दोनों आपको दिखाया कि हमको कितनी सारी नई नई चीज़ें इन्होंने ला कर दी, जो स्पेशली इन्होंने हमारे लिए बनाई ब्रेकफास्ट में, इंक्लूड नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि अब पता क्या हुआ यार, पता है सैंडी को ना आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और हमारे हिमाचल के लोग इतना प्यार देते हैं कि ये यहाँ भी बहुत सारे लोग हिमाचल के, उन्होंने हमको इतना अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया ना, बोले कि नहीं आपकी एंगेजमेंट अभी हुई है, मतलब रोका हुआ है आपका और ये वो, और इसको ऐसा पहचाना, और पहचानने के बाद बहुत ज्यादा हमें सम्मान करा, बहुत रिस्पेक्ट करे, वो सब्सक्राइबर ही है हमारे, आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने बहुत कुछ करा, सब्सक्राइबर भी है, फॉलोअर भी, अब तो फैमिली भी है अब तो मैं बताऊं, और उन्होंने इतना कुछ करा यार, हमारे गिफ्ट्स भी दिए, गिफ्ट्स दिए यार, मतलब बहुत स्वीट और बहुत अच्छा जेस्चर लगा हमें, इतनी हॉस्पिटैलिटी थी कि मतलब जहां जा मतलब बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने चीजें करी है हमारे लिए, हर चीज में जाकर जितना वो कर सकते, जितना वो जो उनका वो था सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा करा, मतलब फील सो स्पेशल राइट नाउ, और ये सब आपकी फैमिली और सैंडी की मेहनत और सब जैसे हुआ है, पहले हमको इतना अच्छा लगा, इतनी रिस्पेक्ट मिली है सब कुछ, यार मजा आ गया, लेकिन मतलब ये होती है रिस्पेक्ट है ना, मजा आ गया बहुत बहुत। चलो अब चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट कुछ, और मुझे यहाँ पे किड्स रूम दिखाया तो मैं चलती हूँ अंदर। कितनी अब ठंड हो रही है ना, एकदम ठंडा माहौल, मशीन्स वगैरह है, तुम्हें क्या लगा चश्मे में, मुझे ऐसा लगा कुछ अलग था। और यहाँ पे देखो हम यहाँ आए इस एरिया में, यहाँ पे कोई भी नहीं है ताकि हम वीडियोस वगैरह बना सके, कोई भी नहीं है, और पता क्या इतनी प्यारी वाइब है इस टाइम पे, ठंडा ठंडा माहौल, चिली चिली सा मौसम, क्या बताऊं, और ये आसपास हमारा ये पेड़, कोई वादियां धूप पड़ने की बोलती, और
इतने अच्छे अच्छे पेड़ है यार ये, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और इंसेक्ट्स की आवाज अगर आपको आ रही हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रही हो पर मुझे आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ बहुत अलग एक्सपीरियंस है। गाइस मैंने करण का चश्मा ले लिया है, मुझे शायद मुझ पे अच्छा सूट करे, और अब मैं यहाँ पे आराम से घूमूंगी। पता मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है क्या ही बताऊं, लेकिन हाँ जाना तो पड़ता ही है। सो गाइज उन्होंने जो गिफ्ट दिया था मैं खोल के देखती हूँ। एक तो ये प्यारा सा टेडी बियर था, क्यूट सा, और दूसरा ये है, इसमें क्या है तो लेट मी ओपन। वाओ इतना प्रिटी सा विंटेज बॉक्स है, ये ज्वेलरी बॉक्स है, तेरे को कितना अच्छा ये दिया है ना। सो गाइज ये बॉक्स है वो विंटेज, और इसमें मैं अपनी ज्वेलरी वूलरी रख सकती हूँ, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, सो थॉटफुल, तो थैंक यू सो मच अगर आप ब्लॉग देख रहे हो, बट हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। वापस जा रहे हैं, हमने होटल टैक्सी ही बुक की थी, थैंक यू। सो वी आर हियर गोइंग बैक टू शिमला, गोइंग बैक टू शिमला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, स्टे अच्छा था, वी विल मिस यू बाबा, सी यू देयर। Oh, sorry, we didn't see this. Bye. Thank you. So sweet, yaar. It is full of suspense and surprises. Oh. कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, you never know. बहुत अच्छा लगा मेरे को. Vibe. गजीबो को भी miss करेंगे हम. वॉमिटिंग बैग्स भी रखे हैं तुम जैसे हो गए ना, जो सिकनेस बैग्स जो यहाँ पे पहाड़ों पे ट्रैवल नहीं करते। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, चाहे पहाड़ों में करूँ या कहीं भी करूँ। A few moments later. तो यार हम लोग अभी रास्ते में, और देखो सेंटी की थोड़ी सी, और मैं तुम्हें बोल रही थी और मुझे खुद ही सिकनेस हो गई, मैं फोन पे अपलोड कर रही थी कुछ, फोन देखते देखते मोड़ पे मेरी खुद ही तबीयत खराब हुई, तो मैं ऑरेंज खा रही हूँ, ऑरेंज खा रही, ऑरेंज मेरे को भी पकड़ दिया ऐसे। अच्छी बात यह है की इस कार में, टैक्सी में इसका अपना वाईफाई है। हाँ यार बता, इस कार में अपना वाईफाई भी है और सब कुछ, सारी फैसिलिटीज इधर है, वो भी क्यों ना, ओबेरॉय का है तभी तो इसका नाम है, ओबेरॉय की टैक्सी है।